सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ काम कर चुके जस्टिस अजय रस्तोगी, जो अभी हाल ही में 17 जून 2023 को अपने पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने एक बातचीत के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। वे देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के व्यक्तित्व और बतौर सीजेआई उनके अब तक के कार्यकाल और कामकाज से बेहद प्रभावित हैं। इसका एहसास उनकी एक बातचीत से हुआ। वे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सराहना करते हुए इस बात से संतुष्ट दिखे कि न्यायपालिका उनके हाथों में सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी मजबूत था, लेकिन जनता के बीच हमारे प्रति आस्था में और बढ़ोतरी हुई है, जो एक लोकतांत्रिक शासन के लिए बेहद जरूरी भी है। उन्होंने कोर्ट के कामकाज के हाईटेक होने और सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कहा कि अब जनता देश के किसी भी कोने में बैठकर ये देख सकती है कि न्याय कैसे होता है। इससे हम उनके और करीब आ पाए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ करते हुए कहा कि ये उनसे ही सीखने को मिला कि जमीनी हालात पर ही फैसले देने चाहिए। चीफ जस्टिस से अपनी पुरानी बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे अक्सर कहा करते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, कोर्ट आने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिले, ये बात हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस अजय रस्तोगी अपने सेवाकाल के दौरान कई बड़े मामलों की बेंचों का हिस्सा रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने बिल्किस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय ये खूब चर्चाओं में छाए हुए थे। 17 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अजय रस्तोगी को 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उससे पहले वे त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जबकि वे साल 2016 में करीब एक महीने की अवधि के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को लेकर जारी बहस पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जिस ढंग से होनी चाहिए उसमें कोलेजियम सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है और सही भी है। ऐसे में उन्होंने इस पर किसी तरह के विवाद या बहस को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोलेजियम सिस्टम कोर्ट की एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए और न ही उसे लेकर कोई सवाल खड़े करने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से अलग अलग मामलों में आने वाले फैसलों या जजमेंट्स को लेकर कहा कि कुछ लोगों की ये आदत बनती जा रही है कि वे जजों पर निजी हमले करने लगे हैं। उन्होंने इसे सरासर गलत बताते हुए कहा कि फैसले की आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन जजों की निजी आलोचना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह की प्रवृत्ति पर फौरन अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इससे फैसले लिखने वालों पर दबाव बन सकता है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। वही जजों के रिटायरमेंट के बाद पदों को ग्रहण करने को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर इसमें गलत ही क्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।